देखिए सावन का महीना है, पूजा अर्चना चल रही है भगवान शिव की। सावन का महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना हो रही है। ये देखिए आप पंडित जी हो गए। पंडित जी ये भोलेनाथ का कौन सा मंदिर है? चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। ये कौन सी जगह है? ये जोटवाड़ा रोड बनी पार्क। बनी पार्क जी सर। ये जो सामने है पंचमुखी महादेव जी मंदिर, और ये चमत्कारेश्वर महादेव, ये चमत्कार है, चमत्कारेश्वर देव का शिव परिवार है, शिव परिवार है। ये देखिए सभी लोग, सावन का महीना है और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। पंडित जी ये बताइए इसके बारे में थोड़ा। ये काले हनुमान जी हैं, इन्होंने काल ने राक्षस को मारने के लिए काले वर्ण का रूप धारण किया था। ये हनुमान जी हैं, जब रामायण काल में काल ने भी का वध किया था उस समय हनुमान जी ने रूप धारण किया था, उसी का ये चित्रण यहाँ किया हुआ है। हाँ। ये देखिए क्या शानदार पत्थर से पहाड़ी जैसे सीन बनाए हुए हैं। ये किस चीज की मूर्ति है? अर्धनारेश्वर महादेव, अर्ध पार्वती और शंकर दोनों की मूर्ति है। ये सावन का महीना है देखिए, और सावन के महीने में इस मंदिर में लोग बाग पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं। सुबह का समय है।
ये देखिए जगदम्बा मैया की बहुत ही शानदार प्रतिमा स्थापित की हुई है। बहुत ही शानदार मंदिर का निर्माण किया हुआ है। ये देखिए भोलेनाथ का पत्थरों से बना हुआ बहुत ही शानदार पहाड़ का दृश्य बनाया हुआ है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? जैन सिंह जालानी। ये कौन सी जगह है और किस चीज़ का ये मंदिर है? चमत्कारेश्वर मंदिर। ये जो सामने पहाड़ वगैरह बना हुआ है, हाँ। और ये भगवान शिव की कैलाश पर्वत का सीन बनाया हुआ, बहुत ही शानदार बनाया। ये लगभग कितने वर्ष पुराना मंदिर होगा? मैं सर 90 से आ रहा हूँ। आप 90 से आ रहे हैं, उससे भी पहले का बना हुआ है। हाँ। और ये चमत्कारी भोले शिव शंकर का मंदिर है। ये देखिए नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? रामशरण दिसाद। रामशरण जी, ये जो भोलेनाथ जी का मंदिर है, हाँ, ये लगभग कितने वर्ष पुराना होगा और ये कौन सी जगह है? ये है जो बनीपार्क में स्थित है, चमत्कारेश्वर महादेव नाम है उनका, और करीब 55 साल के लिए होंगे। 55 साल। और ये जो सामने पहाड़ नुमा भोलेनाथ जी का बना हुआ है, ये किस कैसी मूर्ति स्थापित है भोलेनाथ जी, किसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, इसको हमने कैलाश पर्वत का प्रूफ किया है। ये जो बनाया है, ये इसको कैलाश पर्वत के नाम से बनाया है। और ये जो है आप सामने अर्धनारीश्वर है, शिव पार्वती दोनों साथ में, शिव पार्वती दोनों की ये मूर्ति साथ में स्थापित है। इनको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। अर्ध नारेश्वर, अर्ध नारेश्वर भगवान की भोलेनाथ की मूर्ति स्थापित है। पूरा कैलाश पर्वत का सेटअप तैयार किया हुआ है कारीगरों द्वारा। बहुत ही शानदार और चमत्कारी भोलेनाथ का यह मंदिर है। ओके सर, ये देख पूरे द्वादश ज्योतिर्लिंग है। हाँ, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे मंदिर में। यहाँ ये बता रहे हैं कि पूरे जो 12 शिव के ज्योतिर्लिंग है वो पूरे इस मंदिर में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और धार्मिक है, चमत्कारी शिव का मंदिर है। सावन का महीना चल रहा है, नाम है वैसा काम भी है। जो भी यहाँ आके अपनी मनोकामना रखेगा उसकी मनोकामना अवश्य महादेव पूरी करते हैं। धन्यवाद। ये देखिए क्या शानदार कैलाश पर्वत का सीन बनाया है। ये श्री अर्ध नरेश्वर शिव पार्वती की बहुत ही शानदार कैलाश पर्वत का सीन बनाया हुआ है, जिसकी बहुत मान्यता है यहाँ। देखिए क्या शानदार बना हुआ है।
मंदिर श्री चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर जयपुर।